स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर हाँ जी, देखिए, आप तमाम को मेरी स्क्रीन जो है दिखाई दे रही है। मैंने हाँ टीचर, वो हाँ पीडीएफ भी टीचर, बना के रखा है, हाँ आप टीचर, लोगों के लिए मैंने वो पीडीएफ भी बना के रखा है, जो आपको क्लास खत्म होते ही मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आप तमाम के लिए और एक ऑप्शन भी है कि आपको ये, मैं आपको पहले भी सेंड की हूँ, टीचिंग मटेरियल में है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना है कि नज्म किसे कहते हैं। नज्म के मानी जो है, लड़ी में मोती पुरोना। तो नज़म के मानी क्या है? लड़ी में मोती पुरोना, यानी अल्फाज को जो है मोतियों की तरह समेट कर एक शक्ल देना ही नज़म कहलाता है। उसके बाद दूसरी जो है सिंफ, यहाँ पे मैंने आपको एक टीएलएम भेजा हुआ है, एक तस्वीर आपको भेजी है, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ और तौसीफ बयान की जाती है उसको हम्द कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ और तौसीफ बयान करने का जो भी जरिया है, जो भी एक नज़म के तरीके से जो हम पेश करते हैं, उस नज़म को जो है हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है सिंफ मैं आपको भेजी हुई हूँ, ये है नात। ऐसी नज़म जिसमें हुजूर अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ जिस नज़म में बयान की जाए उस नज़म को हम कहेंगे नात। उसके साथ ही साथ आप जो है हफ्तम जमात में जा रहे हैं, इसलिए आपको और एक सिंफ की भी मालूमात होनी चाहिए, वो है गजल। उर्दू के असनाफ में ये भी एक उर्दू की नज्मों के अंदर जो सिंफ है वो गजल है, जिस ऐसी नज्म जिसमें इश्क और मोहब्बत यानी आजकल जो है हकीकत का भी इजहार किया जाता है, जिक्र किया जाता है, उसको गजल कहते हैं। गजल के जो लघवी मानी होते हैं, औरतों से बातचीत करना, यानी अक्सर बेशतर पुराने जमाने से ही जो गजलें कही जाती थी उसमें औरतों के मुताल्लुक ज्यादा से ज्यादा बयान किया जाता था, मगर आजकल उसके अंदर बहुत सारे हकीकी और मिजाजी मानों में भी गजलें लिखी जा रही हैं। तो गजल के लघवी मानी औरतों से बातचीत करना है, और इसमें जो है इश्क मोहब्बत का जिक्र ज्यादा होता है। तो ये चार चीजें आपको आज अच्छी तरह से पढ़नी है, क्योंकि इसी पर आपको आज का टेस्ट भी देना है और आज की वर्कशीट में इसी के मुताबिक आपको लिखना है। सबसे पहला नज़्म, तो नज़्म जो है लड़ी में मोती पुरोना, इसका लघवी मानी है, यानी लुगात में दिया हुआ मानी भी जो है नज़्म का मानी लड़ी में मोती को पुरोना। तो ऐसी चीज, ऐसे अल्फाज जिन्हें हम अच्छी तरह से खुशखती के साथ, खुश उसलूबी के साथ, काफिया और रदीफ का इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से हम उसको नज़म लड़ी में पुरोने की तरह अच्छी तरह से लिखते हैं, वो एक नज़म की शक्ल सूरत में आ जाती है। तो नज़म के हम्द के लिए मैंने और एक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल होगा वहाँ पे और एक लिंक भेजूंगी, उसके अंदर हम्द के लिए मैंने एक पूरी वीडियो ही बनाई है जिसमें हम्द किसे कहते हैं, हम्द के लघवी मानी से लेकर हर चीज़ वहाँ पे बयान की गई है। तो हम्द के मुताबिक आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखकर जान सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक चंद नज़में पेश की हैं। तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल की एक नज़म जिसे गज़ल के तौर पर भी पढ़ा गया है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको हम अगर नज़म की तरीके से पढ़ना चाहेंगे तो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। तो हम उसे तर्ज के तौर पर, तर्ज लगा कर जो है उतार चढ़ाव के साथ पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे हैं नज़में जिसे हम तर्ज के साथ अपने तरीके से जैसे भी चाहे वैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक दुआ मैं आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट निकाल के रखी थी ये, क्योंकि ये दुआ जो है हमारे स्कूल के बच्चों को मैं पूरी तरह से
याद दहानी करा चुकी हूँ और हम प्रेयर में भी ये दुआ पढ़ाते हैं बच्चों को, तो ये भी जो है इसकी तर्ज मैं सिर्फ दो मिसरे बता देती हूँ। इसको आप अपने, मैं एक पीडीएफ बनाकर आपके स्टडी मटेरियल में डाल दूंगी, या तो आप इस क्लास का खत्म होते ही आप अपने स्टडी मटेरियल में चेक कर लें तो आपको ये भी मिल जाएगा। तो इसकी तर्ज मैं आपको बता देती हूँ, तो आपको ये भी जो है अच्छी तरीके से पढ़कर रिकॉर्डिंग करके आपके टीचर्स को भेजना है। कोई उरूज दे ना जवाल दे। किसी का माइक ऑन है यहाँ पे, इसलिए बराए करम अपना माइक ऑफ रखें, सुलबा और तालिबात अपना माइक ऑफ रखें, और जब मैं आपको कहूंगी, मौका दूंगी, तो आप अपना माइक ऑन करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसकी तर्ज भी आप देख लें। कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह में डाल दे, कि जमाना मेरी मिसाल दे। कोई उरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिला, मुझे मालो जरा वसीला वसीला, मुझे बच्चों रिज़्क़े हलाल दे। कोई उरूज दे न जवाल दे, टीचर आपकी आवाज इको हो रही है, इतना कमाल दे। तो जो दो दो अजम को जो है मैं आपको पीडीएफ बना के रखी हूँ, वो आपको भेज दूंगी। बच्चे अपना माइक ऑफ कर दे, क्योंकि यहाँ पे इको हो रहा है, डबल वाउन हो रहा है, सब लोग अपना माइक ऑफ करें। ओके, तो इन्हीं के साथ साथ जो है आपकी किताब की और एक नजम, ये आपको बचपन में आप जब सेकंड स्टैंडर्ड के थे तब से आप पढ़ रहे। स्टूडेंट्स अपना माइक ऑफ करें। जीनत का माइक ऑन है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को मैंने दो नज़में बताई हैं और एक नज़म जो है मैंने आवाज़ तरन्नम के साथ आपको, मेरी आवाज़ उतनी ख़ास अच्छी नहीं है, जो तरन्नम मैंने दिखाया है वही आपको पढ़ना है, ऐसे कुछ नहीं है, मगर आप अच्छी तरह से तरन्नम के साथ इस नज़म को जो है पढ़कर रिकॉर्ड कर लें, या फिर अपने टीचर्स को जो है उसका एक ऑडियो बनाकर भी भेज दें, जिससे उनको आपकी नज़म खानी की जांच होगी। और दूसरी, अपनी दर्सी किताब के अलावा आप जो दूसरे नज़मों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दर्सी किताब में जितनी नज़में हैं वो आप पढ़ेंगे ही, उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारे नज़मों को इकट्ठा करना है, नज़मों को पढ़ना है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट मदीहा जो अपना माइक ऑन रखे थे शायद, इसलिए यहाँ पे ओके, तो मैंने आप सबको म्यूट कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, आपको जो भी डाउट्स होगा उसके बारे में आपको पूछने के लिए मैं एक मौका दूंगी आपको। बच्चे की दुआ, ये जो लब पे आती है दुआ है, आप लोग सेकंड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, तो इस लब पे आती है दुआ में आपको तरन्नुम के साथ अच्छी तरह से पढ़ने की आपको मश्क करनी है। ये आपको मैं लिखने या पढ़ने के लिए नहीं कहूंगी, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ लिख कर हो चुका है। उसके साथ साथ मैं आपको जो मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर इसके बारे में जो बताई थी, वो आपको शेर व शायरी की तरह लिखना है।
शेर व शायरी आप जिस तरह बोलते हैं या पढ़ते हैं उसी तरह आपको ये अशआर आपको पढ़ना है और लिखना है। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में आप सबसे ज्यादा शेर व शायरी पर जोर देंगे और नज़म खानी, नज़म को किस तरह पढ़ना है, तरन्नुम के साथ किस तरह से अदायगी करनी है और नज़म को किसी के सामने पेश करना है तो आप बग़ैर घबराहट के उसको पढ़ने की आप मशक करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर एक नज़म दिखाई दे रही होगी जो आपके सबक में आपकी दर्सी किताब में मौजूद है। इसकी भी तर्ज मैं आपको बता दे रही हूँ, सिर्फ दो मिसरे पढ़ूंगी। या रब दिले मुस्लिम को ओ जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को ओ जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादी फारा के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौखे तमाशा दे, फिर जौखे तकाजा दे। तो प्यारे बच्चों, आपको इसके अलावा भी आप बहुत सारे ट्यून इस्तेमाल कर सकते हैं, तर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके लिए मैंने छोटी सी, मेरे ख्याल से ये भी तर्ज आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है नज़मों को सुनना और नज़म को अच्छी तरह से सुनकर सुनी हुई नज़म को अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश करना आपके लिए ज़रूरी है। तो मैंने जो आपको इतनी देर से कहा है उसमें से आप शायद आपकी जो मेमोरी के हिसाब से, आप बच्चे बहुत ही ज़हीन होते हैं और आप लोगों के अंदर इतना जज्बा भी होता है कि आप सुनी हुई बात को एक ही मिनट के अंदर दोहरा सकते हैं। मैंने जितना कहा है वो भी आप पूरी तरह से भी दोहरा सकते हैं, तो आपकी मेमोरी उतनी फास्ट होती है। तो माशाल्लाह आप इसका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल भी करना है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट का पर्चा तैयार किया हुआ है जो आपको ऑलरेडी मैं आपकी लाइव क्लास में डाल के रखी हूँ। 10:50 को आपका ये सवाली पर्चा आपको दिखाई देगा। उस सवाली पर्चे में 5 सवालात हैं, उन 5 सवालात को आपको पढ़ना है। वो सवालात ये स्क्रीन पर आप जो प्रेजेंट हो रहा है वो सवालात ये नहीं है बल्कि अलग हैं। उस सवालात को 10 बजे आपको 10:50 को आपको सवालात आपकी स्क्रीन पे दिखाई देंगे टीचमेंट ऐप में, और 11 बजे उसके जवाबात भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। आपका खुद का मार्क्स कितना है बोल के पता चल जाएगा। 10 मार्क्स के लिए एक टेस्ट ऑप्शन दी हूँ वहाँ पे, आप वहाँ पे टेस्ट में जाकर टेस्ट को अटेंड करना है। और यहाँ पर जो वर्कशीट है, यहाँ पे सिर्फ 5 सवालात दी हूँ, ये वर्कशीट के लिए है। नज़म किसे कहते हैं, जो मैंने TLM आपको बताया था, उस सिर्फ अल्फाज को लड़ी में पुरोने का नज़म कहते हैं, बल्कि अगर आप लिखेंगे तो भी ये सही होगा। उसके अलावा 2nd सवाल है, 2रा सवाल, हम्द किसे कहते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की तारीफ व तौसीफ में बयान की जाने वाली नज़म को हम्द कहते हैं, वो भी उस TLM के अंदर मौजूद है। उसके अलावा 3रा सवाल है, नात किसे कहते हैं, तो हुजूर अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में की कही जाने वाली नज़म को नात कहते हैं। गज़ल किसे कहते हैं, औरतों की तारीफ में बयान की जाने वाली नज़म को गज़ल कहते हैं। उसके अलावा आपको अपनी पसंद की एक नज़म लिखना है, उस अपनी पसंद की नज़म में 5वां सवाल, जो अपनी पसंद की नज़म लिखना है उसमें आप वो नज़म लिख सकते हैं, कोई उरूज दे या जवाल दे। अगर वो आपको अच्छी नहीं लगती है, वो एक दुआ है, वो अगर नहीं चाहिए तो आप अपनी पसंद की कोई भी एक नज़म वर्कशीट पर यानी आपके A4 साइज पेपर पर लिख कर अपने टीचर को देंगे। ये आपके लिए आज का जो वर्कशीट है, ये 4 हैं 4 सवालात और 5वां सवाल जो है नज़म लिखना है। इन 5ों को आप हल करके लिख कर अपने टीचर को देना है इंशाल्लाह। अपने अपने क्लास के जो टीचर्स हैं उनको आप अपने पेपर्स भेज दें। तो आज
आज के इस सेशन में मैंने जो भी कहा है और जितने भी आपको डाउट्स उसके बारे में आप अभी मुझसे डिस्कस करेंगे। टीचर मुझे एक डाउट है।